बहुत ही ज्यादा यूनिक रेसिपी पालक की, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। आप इसको पूरी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी जो खा सकते हो, इतनी अच्छी लगती है इसकी सब्जी। अलग अलग तरह से हम लोग बनाते हैं, पर इस तरह से भी जो आप एक बार बना के जरूर देखना, स्वाद ऐसा जुआ जो कभी ना भूल पाए। करते हैं तो फिर हम रेसिपी को स्टार्ट। तो हमने इस रेसिपी के लिए पालक के पत्ते ले लिए, दो पत्ते लिए ओनली मैंने इस रेसिपी के लिए, क्योंकि ये पत्ते जो है मेरे काफी ज्यादा बड़े हैं, ये दलिया में भी नहीं आ रहे इतने बड़े हैं, क्योंकि हमारा घर का पालक है ना, इसीलिए जो हमने इतना बड़ा बड़ा इनको कर लिया है। तो अब क्या करना है, आपके यदि पत्ते इस जगह छोटे हो ना, तो आप 4-5 पत्ते ले लेना इस रेसिपी के लिए, पर कोशिश करना कि आपके पत्ते जो हों बड़े हों पालक के, क्योंकि इस रेसिपी में हमें बड़े ही पत्ते की ज़रूरत होती है ना इसीलिए। तो पत्ते को जो मैंने अच्छे से धो लिया है, यहाँ पर 2-3 बार पानी में निकाल लिया, क्योंकि मिट्टी लगी रहती ना तो धोना ज़रूरी है, किस किस अपन नहीं रहे। तो अब क्या करेंगे हम, ये जो नीचे का आता है ना भाग, इसको काट देंगे। इस रेसिपी में हमें इसकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, तो इसको जो हम पूरा तरीके से यहाँ से काट लगा देंगे। और ऐसे पत्ते जो है हमें चाहिए इस रेसिपी के लिए। हमने 1 कप बेसन ले लिया है और इसको अच्छे से हमने छान लिया है। एक मिक्सिंग बाउल में ऐड कर दे रहे हैं हम, और कुछ मसाले ऐड कर देंगे इसमें से। 1 टेबल स्पून जो है लाल मिर्च पाउडर है, तीखा आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें जो है हम आमचूर पाउडर डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून ही जो है हल्दी है, और 1/2 टीस्पून ही जो है इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला में थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा ना डालना, और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ नमक डाल देना, ये 1 टीस्पून नमक है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर दे रहे हैं। हम इसका गाढ़ा सा घोल बना लेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है, और बिल्कुल गाढ़ा घोल हमें यहाँ बनाना है इस रेसिपी के लिए। हमने इसका एकदम गाढ़ा घोल यहाँ बनाकर तैयार कर लिया है, देख रहे हो, बस ऐसा घोल रखना है आपको एकदम गाढ़ा। तो हमने एक पालक का पत्ता ले लिया है, और अब क्या करना है, हमने जो घोल बनाया ना उसे हम लेते जाएंगे और चम्मच से इस पत्ते पे फैलाते जाएंगे, अच्छे से जो आपको फैलाना है यहाँ पर इस तरीके से, सभी दूर फैलाना है हमें ये। तो हमने सभी दूर जो है बेसन लगा दिया है इस पर, और हाँ ये थोड़ी थोड़ी साइड से जो है हमें बेसन नहीं लगाना है सभी दूर से, क्योंकि अभी जो हम इसे फोल्ड करेंगे तो फिर क्या होगा, बेसन हमारा निकल निकल के जो है बाहर भगेगा इसीलिए। तो हम पालक को फोल्ड करेंगे तो उधर से नहीं करना, हमें जड़ से इधर ऊपर की साइड से जो है हम इसे फोल्ड करते हुए नीचे की तरफ लेते जाएंगे। और ये ताज़ा पत्ते हैं मेरे पालक के, आप देख रहे हो जैसे ही मैं फोल्ड कर रही हूँ चट की आवाज़ आ रही है, ये टूटते भी जा रहे हैं। आपके पत्ते पुराने होंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, मतलब थोड़े रखे हुए, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है, इसको हल्के हाथों से प्रेस भी करते जाना है, और यहाँ की साइड आके थोड़े ये निकलेगा क्योंकि ये इसकी जड़ें हैं इसी वजह से। और अब इधर से इसको जो है हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, बस हमें ये ऐसे ही फोल्ड कर देना है बिल्कुल भी। इसकी ये थोड़ी मोटी है ना मेरे घर का पालक है, तो इसको मैं एक काम करती हूँ निकाल देती हूँ, बस इसको क्या है आपको ज़्यादा हिस्से को इस वाले को लेना नहीं है पोर्शन को, और इसे हम बीच में से काट देंगे क्योंकि पत्ता जो है ज़्यादा ही बड़ा है। अब जो हमारे रोल हैं वो एकदम परफेक्ट हो गए, ऐसे ही करके मैं दूसरे पालक के भी यहाँ रोल बना के तैयार कर ले रही हूँ। हमने यहाँ इडली स्टैंड ले लिया है, अब इसमें क्या हम पानी डाल दे रहे हैं, 2 गिलास हमें जो है पानी डालना है, कवर करके रख दे रहे हैं कि अच्छे से पानी जो हमारा घुल जाए और एक इसमें भाप बन जाए। तो इसको ओपन करके देख ले रहे हैं क्योंकि इसको 2-3 मिनट हो गए और इसमें अच्छे से आवाज़ आ रही है, भाप बन गई है, देख पा रहे हो। तो अब क्या करना है, हमें पहले तो गैस जो है स्लो कर देंगे वरना क्या हाथ जल जाएगा हमारा। मेरे पास जो छेद वाली चलनी होती है वो नहीं है, यदि आपके पास हो तो आप एक ही रख लेना, किसी भगोनी कढ़ाई में भी रख सकते हो आप, पर मैं इससे काम चला रही हूँ, जो इडली वगैरह बनाते हैं ना अपन इसी से। तो क्या हमें भाप के लिए चाहिए, तो ये वाला जो इडली का होता है यही चाहिए हमें, खमण वाला नहीं चाहिए इस जगह, ठीक है, कि अच्छे से भाप जो हमारे पालक में लग गए। इसीलिए अब जो हमने रोल्स बनाए ना पालक के, इनको इसी में रख दे रहे, अच्छे से स्टीम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम रख देंगे और दूसरे वाले को भी हम इसके ऊपर रख दे रहे हैं, और यहाँ पर भी जो है हम ये पालक के रख दे रहे हैं, और इनको जो है फुल गैस कर देंगे, कम से कम इनको जो है 6-7 मिनट हम यहाँ पकाएंगे, मतलब बिल्कुल जो बेसन है अच्छे से कड़क हो जाएगा इसमें, एकदम भाप में जो हमें ये पकाना है इस रेसिपी के लिए। तो इसको जो अब मैं ढक भी दे रही हूँ और ना गैस भी जो है मैं फुल कर दे रही हूँ यहाँ। तो अब इन्हें हम ओपन करके देख ले रहे हो, गैस की फ्लेम स्लो कर लेनी है वरना भाप से हाथ जल जाएगा हमारा। और ये अच्छे से हो गए हैं, गर्म है, और हाँ ये बेसन हाथों से नहीं चिपक रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से भप गए हैं।
अब इसको थोड़ा ठंडा हो जाने देंगे, गैस बंद कर दे रहे हैं। हमने इनको बाहर निकाल लिया, थोड़ा इनको हम ठंडा हो जाने देंगे। अभी गैस में से धुआं निकल रहा है, काफी गर्म है। तो हमारे अच्छे से ठंडे हो गए कि हम टच कर रहे हैं तो बिल्कुल भी हमें क्या ऐसा नहीं लग रहा कि हम जल जाएंगे। तो बस इतने ही जो हमें ठंडे करने हैं। तो अब इसके हम पीसेस कट कर ले रहे हैं। पीसेस आप आपके हिसाब से पतले या फिर मोटे जैसे करना चाहो उस हिसाब से कर सकते हो। तो हम सभी को जो है ऐसा कट कर लेंगे। आप देख रहे हो कितनी अच्छी इन पे लेयर बनी है, पास से दिखा देती हूँ मैं आपके लिए। इसी तरीके से आप बनाना, बिल्कुल बेसन चिपक नहीं रहा है तो बिल्कुल कच्चा वाला टेस्ट नहीं आएगा इसमें से। तो हमने सभी पीसेस को कट कर लिया है और कितने टेस्टी लग रहे हैं ना। तो आप इस तरीके से जरूर बनाना, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। चलते हैं फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी। अब इसमें जो है रिफाइंड ऑयल ऐड कर दे रहे हैं। आप सरसों का ऑयल भी ले सकते हो इस जगह, 3-4 बड़ी चम्मच के लगभग जो हमने ऑयल ऐड किया है। तो हमारा ऑयल जो अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसमें अब हम 1 चम्मच जीरा डाल दे रहे हैं। गैस हम जो है स्लो कर देंगे इस जगह और थोड़ी सी यहाँ हींग डाल देंगे 1/4 चम्मच के लगभग। दोनों को अच्छे से चटकने देना है पहले हमें। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। हमने यहाँ 2 बड़ी साइज की प्याज काट के रखी है लंबी लंबी, इन्हें इसमें ऐड कर दे रहे हैं हम सभी को। और चलाते हुए थोड़ा फ्राई कर देंगे हम प्याज को। प्याज हमारी हल्की फ्राई हो गई है तो अब इसमें हमने 2 हरी मिर्च डाल देंगे काट ली थी छोटी छोटी। और साथ में जो हमने लहसुन भी हमने मतलब 6-7 कली लिया था, इसे भी इसी में ऐड कर दे रहे हैं हम। और इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारी सभी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई हैं तो अब क्या करेंगे, हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। गैस जो हमें स्लो कर देना है बिल्कुल। तो हम 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल रहे हैं। कम ही मसाले डाल रहे हैं क्योंकि हमने कुछ उसमें डाल रखे हैं ऑलरेडी, इस बात को आप भूलना नहीं। वो 1/2 चम्मच से भी कम जो है लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, रेगुलर लाल मिर्च पाउडर है तीखी वाली। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम, साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डालना है, बिल्कुल 1 चुटकी, ज्यादा नहीं डालना हमें कुछ भी क्योंकि हम मसाले ऑलरेडी डाल दिए ना हमने। इसीलिए इन सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और स्लो गैस पे थोड़ी सी देर जो है हम इन्हें पकाएंगे, बस ज़्यादा देर नहीं, बस वरना के जल जाएंगे। अब हमने जो ये पालक के बना के रखे ना, इन्हें ऐड कर दे रहे हैं इसी में हम, और चलाते हुए इनको मिक्स कर देंगे। तो हमने इसमें सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं, बट इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे यहाँ पर, बिल्कुल थोड़ा सा। तो हमने इसमें सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दिए। अब इसे हम कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए। बीच बीच में आप इसे चलाते रहना कि तले में नहीं लगे, इस बात के लिए क्योंकि सूखी सब्जी है तो तले में लगने का डर रहता है। तो उसको 5 मिनट बाद हम देखेंगे। तो इसे अब हम ओपन करके देख ले रहे हैं, ये एकदम बन गए हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है ना सब्जी। तो इसे मैं आपको सर्व करके भी बता देती हूँ। तो हमारी सब्जी पूरी परफेक्ट यहाँ बनकर तैयार हो गई है। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो आप एक बार इसे अपने घर में बनाएं मेरे तरीके से, आपको ही बहुत ही पसंद आएगी। पालक की सब्जी आपने बहुत बार बनाई होगी आपके घर में, हर घर में बनती है ये खैर, पर आप इस तरीके से भी बनाना, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे भी बता देना कि अच्छी लगी या बुरी लगी। तो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।